चंडी चामुंडा सदाए सहाय ते। नमस्कार फ्रेंड्स, जय माता जी। महसाणा से 200 किलोमीटर दूर आया हुआ चोटीला सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है और आज हम लोग वहाँ पर चंडी चामुंडा माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर गब्बर भी है, वो ऊपर चढ़कर माता जी के दर्शन करने होते हैं। तो अगर आपकी कुल देवी अगर चामुंड माता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। हम लोग आपको घर बैठे चामुंड माता जी के दर्शन करवाते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी अभी चोटीला में पहुंच चुके हैं और अभी ऊपर चढ़ रहे हैं गब्बर पर। तो आपको वहां पर चलकर दर्शन करवाता हूं। मंदिर के ऊपर से ये नीचे का बेहतरीन व्यू आप लोग देख लीजिए। 600 से 700 सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं गब्बर के ऊपर। अब 20-25 सीढ़ियाँ और बाकी हैं, तो चढ़ते हैं और आपको चामुंड माँ के दर्शन करवाते हैं। पर नीचे एक छोटा सा महादेव का मंदिर है। दर्शन कर लीजिए आप। जय खोड़ियाल माँ। मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर बाहर
एक छोटा सा सुंदर परिसर बनाया गया है। हमारे तीन फ्रेंड्स हार्दिक भाई, लला जी, रघा भाई, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एकदम शांतिमय वातावरण एटमोस्फियर है। ए मारी मेरडी, जय मेरडी माँ। अरे मेरडी माँ मंदिर है, ए काल भैरव दादा। दर्शन हमारे एकदम बढ़िया हुए और आपको भी घर बैठे दर्शन करके बहुत बढ़िया लगा होगा। और यहाँ से हम लोग वापस चलने वाले हैं घर पे। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए भी बहुत बढ़िया प्लेस है। यहाँ पर जो माँ लिखा है वहाँ पर सब लोग खड़े रहकर फोटोग्राफी करते हैं और बढ़िया लोकेशन है। कब्र पर चढ़ने के लिए एक तंदुरुस्त व्यक्ति को 25 से 30 मिनट लगेगा। अगर आपके साथ आपके बच्चे हो, मम्मी पापा हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में आप कब्र कंप्लीट कर दोगे। नीचे उतरने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 मिनट का वक्त लगता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। करने के बाद हम लोग नीचे आ गए हैं और अभी हम लोग मार्केट में चलेंगे, चोटीला के मार्केट में, और आपको दिखाते हैं। हर प्रकार के फोटो माताजी के आपको इस मार्केट में मिल जाएंगे। शाम के 7 बजे और आप यहाँ से गब्बर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। क्या खूब लग रहा है, एकदम बढ़िया। और नाइट में अगर आप आओगे तो आपको ऐसा ही नज़ारा, लाइटिंग सब देखने को मिलेगा। नवरात्रि के अंदर बहुत ही यहाँ पर सज धज कर गब्बर को तैयार किया जाता है, लाइटिंग बाइटिंग करके। नवरात्रि में अगर आप आओगे तो आपको पूरा चोटीला मंदिर लाइटिंग से सजा हुआ देखने को मिलेगा। ये अतिथि भवन आप देख रहे हैं, यहाँ पर निशुल्क प्रसादी की व्यवस्था चलती है। भोजन प्रसाद यहाँ पर एकदम मुफ्त में, यानी कि
प्रसादी का कोई भी चार्ज लिया नहीं जाता। तो अगर आप लोग दोपहर में आते हैं तो यहाँ पर समय लिखा है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर आपको निशुल्क प्रसादी ग्रहण करने को मिलेगी माताजी की। तो यहाँ का एक बार लाभ अवश्य लीजिए। ये नाइट का ऑसम व्यू आप लोग यहाँ पर निहार रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पर आकर, बहुत ही मज़ा भी आया। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता जी, जय चामुंडा, शुभ रात्रि।